Baby.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين इस्लामिया, अल्लाह का लाखों लाख फजल व एहसान है कि आज मदरसा हैदरिया ज़ीनतुल क़ुरान का एक साल अल्लाह के शुक्र से पूरा हो गया है और साथ ही साथ इस एक साल में एक तालिब इल्म और दो तालिबात का नाज़िरा क़ुरान मुकम्मल होने के साथ साथ प्रैक्टिकल मसाइल नमाज वज़ू और गुस्ल और साथ ही साथ फातिहा और इसाले सवाब का तरीक़ा भी जान चुके हैं। ये रब्बे क़दीर का बड़ा शुक्र एहसान है। तो आज इसी वजह से मैं इन बच्चों को सर्टिफिकेट के तौर पर एक क़ुरान पाक तोहफ़तन पेश करके ये पैगाम देना चाहूँगा कि शायर कहता है कि है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर क़ुरान न बदला जाएगा। इंसान की ज़िंदगी हर वक्त तब्दील होती रहेगी, हत्ता के हम मर कर मिट्टी में चले जाएंगे, हर चीज़ बदल जाएगा। तो जिस तरह दुनिया में हमारा एक दोस्त हर मौके पर हर मकाम पर हमें काम आता है, हमारा सहारा बनता है, तो क्यों ना हम इस क़ुरान को हम अपना दोस्त बना लें, इस क़ुरान से हम अपनी फ्रेंडशिप मज़बूत कर लें, तो ये क़ुरान हमें दुनिया में भी मदद करेगा, यहाँ तक कि हमारी कब्र भी हमारी मदद करेगा, हत्ता के रोज़े महशर के दिन जहाँ सब लोग परेशान रहेंगे वहाँ भी ये क़ुरान हमारी मदद फरमाएगा, हमारी रहनुमाई फरमाएगा। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान वअल्लमा औ कमा क़ाल। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है कि जो क़ुरान को सीखे और उसको सिखाए। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि नमाज़ पढ़ने वाला सबसे बेहतर है या रोज़ा रखने वाला सबसे बेहतर है या हज और ज़कात अदा करने वाला सबसे बेहतर है। हुजूर ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान वअल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है कि जो क़ुरान को सीखता है और उसको सिखाता है। दूसरे मकाम पर आके करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबरक व तआला क़ारी क़ुरान से, यानी जो क़ुरान का पढ़ने वाला है, एक ख़ास प्राइवेट मुलाकात करेगा। अल्लाह तबरक व तआला पर्सनल उस पढ़ने वाले क़ुरान को अपना जलवा दिखाएगा और उसे हुक्म देगा कि ए क़ारी क़ुरान, ए क़ुरान के पढ़ने वाले, जिस तरह तू दुनिया में क़ुरान पढ़ता था आज मेरे सामने क़ुरान पढ़ कर दिखा। वो बंदा अल्लाह तबरक व तआला की बारगाह में क़ुरान पढ़ेगा और उसकी एक आयत पढ़ने की वजह से उसकी मंजिलात बढ़ते रहेंगे। रब इरशाद फरमाएगा कि जितनी आयत तू पढ़ेगा उतना मकाम तेरा बुलंद होता जाएगा। तो इस तरह क़ुरान के पाक की फजीलत है कि जिसके एक लफ्ज़ पर 10 नेकियां मिलती हैं। तो मैं ये क़ुरान को तोहफ़तन पेश करके मैं ये बच्चों को पैगाम देना चाहता हूँ कि कम अज़ कम मामूली रोज़ाना हम ये मामूल बना लें कि 10 सफ़ा या 20 सफ़ा जितना हो सके रोज़ाना हम क़ुरान को पढ़ें।
तो इससे रब की रहमत हमारे ऊपर साया करेगी, अल्लाह तबरक व तआला हमारी मदद फरमाएगा और ये कुरान हमें दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा, हर जगह हमारी रहनुमाई फरमाएगा। अल्लाह तबरक व तआला से दुआ है मौला तबरक व तआला हमें कुरान को सही पढ़ने और उससे ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ, आमीन। तो मैं सबसे पहले ये तोहफ़ा जो कुरान का पेश करना चाहूँगा, मोहम्मद सुफियान इब्न मोहम्मद मूसा, सुभानअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह तबरक व तआला हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। दूसरा उसके बाद है सनाया फ़ातिमा, अल्लाह तबरक व तआला सलामत रखें। उसके बाद है नूरे ज़ोया बिनते मोहम्मद अशरफ कैफ़ी,